संसार का एक शाश्वत नियम है परिवर्तन। इस परिवर्तनशीलता की धारा में उत्पाद और विनाश, उत्पाद और विनाश बनता है मिटता है। हम सबका भी जीवन इसी क्रम में खड़ा है। जन्म के पहले यह शरीर नहीं था और मृत्यु के बाद भी यह शरीर नहीं रहेगा, सब बदल जाएगा। आप सभी जानते हैं, किसी गांव में आप 25 वर्ष पहले गए हों और आज जाएं तो ऐसा लगेगा गांव अपरिचित है, गलियां बदल जाती हैं, घर मकान के दृश्य बदल जाते हैं, सब कुछ बदल रहा है। हमारे जीवन की भी यही दशा है, सब समय एक समान नहीं रहता है। सद्गुरु कबीर ने यह पंक्ति कही है जो सबको पता ही होगा, सब दिन होत न एक समाना। सब दिन समान नहीं होता है। आज जो खुशियों का दिन है यह कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाता है, और आज हम जिस प्रकार प्रसन्न खुश हैं, सब समय प्रसन्न और खुश नहीं रहते हैं। लेकिन जिसके जीवन में आज दुख है, कोई परेशानी है, पीड़ा है, इसका मतलब नहीं है कि वो सदैव ही दुखों से घिरा रहेगा, उसका भी जीवन बदल जाता है। लेकिन इतना तो सच है कि कोई भी जीवन समस्या रहित नहीं होता है, कोई भी जीवन। आज जिन्हें हम लोग कहते हैं कि वे बहुत ही ऊंचाई पर उठ गए, आज जिन्हें आप सफल कहते हैं, उनके जीवन को देख लो, उनके जीवन में भी समस्याएं आई थी और आज भी वो समस्या से पूरी तरह से निवृत्त नहीं है सबके जीवन में, और सबकी समस्याओं का आकार प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई समस्या रहित जीवन नहीं होता है। एक बात याद आ गई, एक प्रसिद्ध लेखक, विश्व प्रसिद्ध हैं, नॉर्मन विंसेंट पिल, अमेरिका के पादरी थे, कई पुस्तकें उनकी हैं, 3 या 4 पुस्तकें तो मैंने पढ़ी है। उन्होंने एक स्पीच देने के लिए एक हॉल में आए, एक ऑडिटोरियम हॉल था, उनको बुलाया गया था, बोलने आए, हॉल भरा हुआ था, लोग इकट्ठे थे। अब जब उन्होंने प्रवेश किया तो लोगों को देखते हुए उन्होंने कहा, अच्छा आप लोग तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं, तो फिर क्या आप लोगों के जीवन में कोई समस्या नहीं है? तो लोगों ने कहा, है। अच्छा बताओ किसके किसके जीवन में समस्या है? सभी ने हाथ उठा दिया। फिर उन्होंने ये कहा, अच्छा क्या आप हमेशा के लिए समस्या मुक्त होना चाहते हैं, सदा सदा के लिए समस्या रहित होना चाहते हैं? हाँ होना चाहते हैं, ऐसा हो कि समस्या हो ही ना, ऐसा चाहिए। तब उन्होंने क्या कहा कि अभी मैं जब यहाँ आ रहा था तो यहाँ से 200 मीटर पहले एक जगह है, वहां पर जितने लोग हैं, जितने लोग बसे हैं, उनके उनमें कोई समस्या नहीं है, उनमें कोई समस्या नहीं है, क्या आप वहां जाकर के बसना चाहेंगे?
लोगों ने जानना चाह कह रहे हो कौन सी जगह है जहाँ पर कोई समस्या नहीं है और लोग आराम से बसे हुए हैं। उन्होंने कहा वह है शमशान घाट। सभी शमशान घाट में जब लोगों को ले जाकर गाड़ देते हैं क्या वहां समस्या बची है? नहीं बची है। यदि हम जिंदा हैं तो जीवन में समस्या है। और समस्याओं का होना क्या बुरा है? नहीं। किसी ने कहा है कि जीवन में समस्याओं का होना अच्छी बात है। जीवन में लहरों का होना, लहर का मतलब जानते ना, उतार चढ़ाव। कहीं आप समुद्र देखो, तालाब में भी वो बात महसूस कर सकते, लेकिन कहीं समुद्र के किनारे गए हो तो देखें लहरें कितनी ऊंची उठती हैं फिर नीचे आती हैं। क्या है उन्होंने लिखा, जिंदगी लहरों का नाम है और लहरों का होना अच्छी बात है। अगर आप अस्पताल में जाकर के ईसीजी टेस्ट कराएं और वहां पर सीधी रेखा आ जाए, सरल रेखा, तो क्या होगा? इसका मतलब है आप मरे हुए हैं। यदि आप जिंदा हैं तो ईसीजी में कैसे आएगा? वे तरंगे आएंगे। यही जिंदा होने का प्रमाण है। मैं ये कह रहा था कि जब इस प्रकार जीवन में समस्याएं आए तो हम क्या करें। सद्गुरु कबीर इसी का समाधान बताते हैं। उन्होंने कहा है, संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल, तहां उठ मिलहु कबीरा। अब वो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं। जो जीवन में समाज परिवार में वो लोग जो देखते थे उन्हीं के बारे में तो बोला करते थे, वही की समीक्षा करते थे। साहिब की ये पंक्ति है, दोहरा कथि कहें कबीर प्रतिदिन समय जो देख। सद्गुरु क्या कहते हैं, मैं अपनी बातें दोहो में, साखियों में, चौपाइयों में अपनी बातें कहता हूं। दोहरा का मतलब वही दोहो में, कथि कहे कबीर पदों में अपनी बातें मैं कहता हूं, लेकिन कौन सी बात कहता हूं? प्रतिदिन समय जो देख। प्रतिदिन क्योंकि लोगों से मिलना जुलना होता है, वे समाज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं, पारिवारिक व्यवस्था को देखते हैं, देश की स्थिति को देखते हैं और उनकी बातें इसीलिए जीवंत होती हैं। इसलिए उन्होंने कहा है ना कि मैं तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। सत्य को मैं जब कहता हूं वो कागज में जो लिखा है उसे पढ़ के नहीं कहता। जस देखें तस कहें कबीर, ये भी साहब ने कहा है, जैसा देखा वैसा उन्होंने कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है सत्य के लिए, सत्य कहो लिखी कागद कोरे। ये साहब की गोस्वामी जी की पंक्ति है, सत्य कहो लिखी कागद कोरे, कोरे कागज में मैं अपनी सत्य बातें लिखता हूं। और सद्गुरु कबीर क्या करते हैं, वे कहीं बैठ करके लिखते नहीं, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मैं स्याही कलम कागज हाथ से नहीं छूता, लेकिन कहता भी हूं। ऐसा नहीं कि नहीं छूता हूं, इसका मतलब मैं नहीं जानता हूं, नहीं कह सकता, नहीं बता सकता हूं सत्य को। उन्होंने क्या कहा, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारिव युग का महातम कबीर मुख ही जनाई बात। चारों युगों में जिसका महात्म्य, जिसकी महिमा गाई गई है, उसे मैं मुंह से ही कहता हूं, अर्थात बोल कर ही लोगों को बता देता हूं। उनकी बहुत प्रसिद्ध है ना पंक्ति, कबीरा खड़ा बाजार में।
वो कहीं के एकांत कमरे में नहीं गाते। कोई भी जब लिखता है ना, अकेले कमरे में बैठ करके लिखता है, लेकिन जब बोलना होता है तब बाजार में लोगों के बीच जा करके। और इसीलिए जो लेखनी है ना, उससे भी ज्यादा जीवंत होता है जो कथनी है, कहा जाता है, क्योंकि वो उसकी परिस्थिति को देखकर वो कह रहे हैं। कबीर साहब जी यही करते हैं, वो समस्याएं देख रहे हैं लोगों में क्या हो रहा है, जीवन को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। सद्गुरु कबीर ने प्रकृति को पढ़ा, जीवन को पढ़ा, समाज को पढ़ा। अब वो कोई कहता है कि स्कूल में जाकर के पढ़े लिखे और डिग्री पाए हो या न पाए हो, ये कोई समीक्षा का विषय और किसी डिबेट करने की जरूरत नहीं है। इसको सहज क्या है, उन्होंने पढ़ना जाना, लेकिन किसको पढ़ा, जिसको जिसको पढ़ने की सचमुच जरूरत है। केवल शास्त्र पढ़ लें, जीवन को न पढ़ें, केवल शास्त्र पढ़ लें और समाज को न पढ़ें। शास्त्र पढ़ने वालों को गुरुदेव जी ने कहा, सद्गुरु कबीर ने कहा है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। शास्त्रों को पढ़ करके प्रेम नहीं होगा। प्रेम कहां होगा, प्रेम कहीं बाहर है। साहब ने कहा कहीं बाहर से लाओगे, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जहि रुचे, शीश दिए ले जाए। ये सद्गुरु कबीर का उद्घोष है। तो संदर्भ है कि संकट सोच पोच या कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा। देख रहे हैं जीवन में संकट है, हम सबके जीवन में समस्याएं हैं, संकट है। आपके घर का ही कोई सदस्य कहीं जा रहा हो और गाड़ी से गिर गया, पैर की हड्डी टूट गई, संकट है कि नहीं है, समस्या है ना। धान की फसल खड़ी है, अचानक जोर से बारिश आ गई और खेत में पानी भर गया, संकट है। ये हमारे जो दैनिक क्रियाकलापों में संकट दिखते रहते हैं, ये तो मैंने एक उदाहरण दिए, बहुत सी बातें होती हैं। और भी आप जीवन में देखें तो संकट हो जाते हैं। कहते हैं साहब कि संकट सोच, सोच मतलब चिंता, चिंता होती कि नहीं होती है, ऐसा कोई है जिनको चिंता ना हो, ऐसा कोई है जिनको चिंता ना हो। वो एक पुरानी कहानी याद करो, एक राजा बीमार पड़ गया, बहुत बीमार। राजा के जीवन में समस्या कम नहीं है और इसलिए चिंताएं भी बहुत होती है। और ऐसी स्थिति में बीमारी जल्दी घर कर जाती है। राजा स्वस्थ हुआ और राज्य में बहुत सारे वैद्य थे, वैद्यों ने प्रयास किया, बीमारी ठीक नहीं हुई। और भी राज्यों से देशों से वैद्य बुलाए गए, कोई कारगर नहीं हुआ। एक संत आ गए, वो फिर उनसे पूछे, महाराज जी हमारे देश के राजा जो है ना वो बीमार है और राजा ही नहीं रहेगा तो फिर राज्य की क्या स्थिति होगी, आप कुछ करें, कुछ आशीर्वाद दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो मुझे ले चलो। वहां ले गए, क्योंकि बहुत सारी औषधियों का प्रयोग हो चुका था। उन्होंने देखा परखा, पूछा पाछा, बातचीत की, कहें बिल्कुल राजा स्वस्थ हो जाएंगे और कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ महाराज, बड़ा सरल उपाय है कि किसी का कुर्ता ले आओ, किसी का कुर्ता ले आओ और वो ये कुर्ता पहन लेंगे, राजा साहब ठीक हो जाएंगे। कहे बिल्कुल कुर्ता मिलने वाला है दूसरों का, वो कुर्ता क्या, लेकिन सुनो एक बात का ध्यान रखना, कुर्ता उसी का काम करेगा जो कभी चिंता नहीं करता है, जो कभी चिंता ही नहीं करता है। कहे बिल्कुल। अब कई सिपाही निकल गए, चलो भाई अब जाते हैं लोगों के बीच में, राज्य में देखते हैं, भाई एक कुर्ता दे दो अपना। हाँ हाँ कुर्ता है, लेकिन आप चिंता करते हैं। अरे महाराज चिंता की कमी है, अभी बेटे की शादी बाकी है,
और अभी तो घर मकान बनाना बाकी है, दूसरी जगह जाते, तीसरी जगह जाते, कुर्ता मांगते, कुर्ता दे, राजा बीमार है, कुर्ता दे दो, और कुर्ता आपको पहन लेंगे, ठीक हो जाएंगे। अरे भाई बिल्कुल ले जाओ। सभी देने को तैयार हो जाते, फिर पूछते, अच्छा आपको कोई चिंता नहीं होती है? अरे भाई चिंता की बात मत पूछो, बहुत चिंता है। अब लोगों ने पूछना उलट दिया। क्या पहले पूछते थे, अच्छा आपको चिंता नहीं होती है? क्योंकि यही पहले पूछ लो ना, कुर्ता सबके पास मिल जाते हैं, पहले पूछ लो चिंता नहीं होती। सब लोग कहे, एक दूसरा फक्कड़ फकीर कोई रहा होगा, तो उसने वो मस्त अलमस्त बैठ करके गुनगुना रहा था किसी पेड़ के नीचे, और सचमुच उनको देख के लगता था बड़ा निश्चिंत आदमी बिल्कुल। और गए उनके पास में और बस यही प्रश्न, अच्छा आप ये बताएं कि आपको चिंता होती है? नहीं नहीं कोई चिंता नहीं होती है, मैं निश्चिंत हूँ, काहे का चिंता करने का। बाल न बच्चे, नींद पड़ी अच्छी, काहे का चिंता, कुछ नहीं। बहुत वो अपने आप को मगन कहा कि कोई मरे कोई जिए, फक्कर घोड़ बतासा पिए, कोई मरे कोई जिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। कहा ये तो बहुत बढ़िया, यही तो खोज रहे थे। अच्छा एक काम और करिए, आप अपना कुर्ता दे दीजिए। कहे मेरे पास कुर्ता ही नहीं है, मैं कुर्ता भी नहीं रखता हूँ, मुझे भी नहीं है। ये बात एक बातों को समझाने के लिए है। साहब क्या कहते हैं, संकट भी है जीवन में, सोच अर्थात चिंता भी है। संकट सोच पोच, पोच माने है बुराई। जीवन में कुछ ना कुछ बुराइयां आ जाती हैं, बड़ी बुराई भी आ जाती है, छोटी छोटी आती हैं, जिसको लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छा लगता है आदमी, वो कोई ऐसा नहीं कि गलत खाता पीता है या चोरी हिंसा करता है, ये करने वाले तो बड़े ही, उनके जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं। अब कोई शराब पी रहा हो, बीड़ी पी रहा हो, तम्बाकू खा रहा हो, गुटखा खा रहा हो, या फिर अंडा मांस मछली खाने में लगा हो, तत्काल भाई ये तो ठीक नहीं है, ये तो बहुत सी गलतियां हैं, बुराइयां हैं। अच्छा कोई करता है चोरी करता है, कोई हिंसा करता है, बहुत सारी और भी पर नारी पर पुरुष में रत है, तो क्या है वो, ये तो बुराई है। लेकिन यह सब न करने वाले के जीवन को आप ढूंढो तो कुछ न कुछ उसमें कमियां निकल ही जाती है, निकल ही जाती है। और सब बढ़िया करेगा लेकिन घर में आएगा तो घर वालों को हमेशा डांट फटकार चिल्लाना और लोगों को परेशान करना, ये क्या है, ये भी एक बुराई है। देखो तो छोटी छोटी बातों में या ऐसे, अच्छा भोजन सामान्य करते फिर भी ऐसी चीजों को खाते रहते हैं। एक जैसे डॉक्टर ने कह दिया भाई डायबिटीज है, ये मीठा चीज मत खाओ। अब क्या हो गया, ऐसी लत हो गई है कि मीठा छोड़ते नहीं बनता है, वो मीठा चुपके से खा लेता है। एक संत थे, संत के पास घर वाले गए थे और वो सज्जन भी गया हुआ था, सच्ची घटना है। तो संत ने, संत के पास घर वालों ने कहा देखो न महाराज जी, इनको इनको डायबिटीज, डॉक्टर ने कहा दिया कि मीठा ना खाओ, हम लोग बहुत रोकते हैं लेकिन मानते ही नहीं है, तो इनको बता दीजिए कि कम से कम स्वस्थ रहें, मीठा छोड़ दें। उन्होंने कहा क्यों भाई, क्यों मीठा खाते हो? कह देखिए महाराज, मैं तो आपके उपदेश के अनुसार चलता हूँ। कहा अच्छा, तो मैंने कब उपदेश कहा है कि जब स्वास्थ्य खराब हो तो भी मीठा खाओ? नहीं आपने ऐसा तो नहीं कहा है, लेकिन आप कहते हैं कि जीवन मिला है एक दिन इसे छूटना है, एक दिन जन्म है तो एक दिन इसकी मृत्यु होनी है, और ये जीवन में प्रारब्ध के अनुसार तय भी रहता है। तो उन्होंने कहा देखिए महाराज, जीवन को एक न एक दिन समाप्त होना है, चार साल जिए कि दस साल जिए, थोड़े दिन मर ही जाना है। तो हम सोचते हैं खा पी करके जियो, जब तक जियो, ये काहे का झंझट करने के, मीठा छोड़ो, ये करो ये करो, तो आपके उपदेश का पालन करता हूँ। संत ने कहा देखो ये कैसे इनकी नजरिया है, कैसे इनकी समझ है, कहाँ उसका अर्थ लगाकर लगा रहा है। तो ये छोटी छोटी बुराइयां जीवन में आ जाती हैं,
साहब कहते हैं कि संकट है, सोच है, ये कलिमा, कलिमा का मतलब समझ सकते हैं कि कल काल में, वर्तमान में कह सकते हो, या फिर खोटी बुद्धि को भी कहते हैं, जो भी अर्थ लगाओ, मतलब वो जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है। और साहब क्या कहते हैं, व्याधि, बहुतक व्याधि शरीरा, कितने प्रकार की बीमारियां, पूर्ण स्वस्थ आदमी ढूंढना बहुत कठिन है। जिसके जिसके शरीर में, जिसके जीवन में कोई बीमारी नहीं, कोई दवाई नहीं और कोई तकलीफ भी नहीं, ये बहुत कम लोग मिलेंगे, बाकी बीमारियां रहती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याओं से हमारा जीवन घिरा होता है। सदगुरु कहते कैसे इससे पार पाएं, आगे सुनिए क्या कहते हैं। संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल, तहां उठी मिलहु कबीरा। जहां धीर गंभीर अति निश्चल, जहां धैर्यवान पुरुष हो, गंभीर हो, निश्चल पुरुष हो, ऐसे संतों के पास जा करके मिलो। और कितनी अच्छी बात साहब कहते हैं, तहां उठी मिलहु कबीरा। अपनों के जैसे कोई समकक्ष होते हैं, उनसे साथ बैठे बैठे रहते हैं, बैठे बैठे मिलते हैं। जैसे आप घर में बैठे हैं, आपका ही समकक्ष है या आपके ही छोटा कोई आ जाए तो उनको आओ आओ बैठो बैठो, लेकिन आपसे कोई बड़े बुजुर्ग, जैसे आपको पढ़ाने वाला कोई शिक्षक हो, घर का कोई, गांव का कोई गणमान्य नागरिक हो, तो आप बैठे रहेंगे नहीं, उठ करके मिलेंगे। साहब क्या कहते हैं, ऐसे संतों के पास जाओ, लेकिन सम्मान पूर्वक जाओ, आदर पूर्वक जाओ, श्रद्धा पूर्वक जाओ, और वहां पर, वहां जाकर के जो सीख मिलेगी उसके अनुसार जीवन जियो। इसलिए साहब ने क्या कहा है, संतों के पास जाओ, ये उनकी पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। संगत कीजय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत गुरु की, आठों पहर उपाधि। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहां ही कबीर तहां जाइए, जहां अपनी संगति होए। साधु संगत क्यों, साधु संगत इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, हरे और की व्याधि, व्याधि कहते हैं शारीरिक पीड़ा को, लेकिन यहाँ का संदेश क्या है, मानसिक, मानसिक शरीर का रोग, शरीर में रोग लगे तो आप किसी चिकित्सक के पास चले जाते हैं, डॉक्टर के पास गए, दवाई ले लिए, लेकिन शरीर का रोग नहीं है, मन ही अशांत है, मन में ही बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं जिससे हमको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, भूख चली गई है, अब कैसे होगा। अच्छा, कई बार आप लोग भी जानते होंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कई मशीनों के माध्यम से डायग्नोस करते हैं, चेकअप करते हैं, और डॉक्टर क्या कहता है, कोई बीमारी नहीं है, आप ठीक हैं, लेकिन वो आदमी तकलीफ झेलते रहता है। ऐसे सुने होंगे, कई जगह ऐसा होता है, डॉक्टर कहते हैं नहीं, बीमारी तो कुछ नहीं है, आप ठीक हैं, लेकिन उनसे पूछो, अरे हम ठीक कहाँ है, कितनी तकलीफ है, आम जानते हैं, तो शरीर का नहीं है, वो किसका है, मन का है, मशीन से पकड़ने में बीमारी नहीं आने वाली है, वो क्या है, मानसिक है, और ऐसी मानसिक बीमारियों को कौन ठीक करेगा, संत ठीक करेंगे, सत्संग से ठीक होने वाला है। सत्संग में आकर के हमें ऐसे विचार मिलते हैं जो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। वहां पर समाधान का मतलब है एक ऐसी समझ, एक ऐसे विचार हम भीतर पा जाते, अपने भीतर ले लेते हैं, सत्संग में जाकर के हमको मिल जाता है, जिससे जीवन जीने का ढंग ही बदल जाता है, जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है। और वही चीज जो हम पहले जिन लोगों के बीच रहकर, जिस जीवन को पा करके, जिस समाज में रह करके हम दुखी और अशांत हो रहे हैं, संघर्ष भरा जीवन जी रहे हैं, लेकिन सत्संग में जाते गए और संतों के विचार सुनते गए, मन ने कहा सचमुच तो मुझे बदलना है, मेरा खान पान का तरीका गलत है,
उसे बदलना है, मेरे जो बोलने का ढंग है उसे बदलना है, मेरे कार्य करने का ढंग है इसे बदलना है, लोगों से मिलते जुलते समय में किस प्रकार व्यवहार करता हूँ सब बदलना है। और उसने निर्णय लिया और जीवन बदल गया। क्या हुआ? ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कहीं भी जो भी अच्छाइयां दिखी वो क्या है, वो सत्संग का ही फल है। मत कीरति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो सत्संग सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेदन आन उपाऊ। ये तो और भी बहुत आगे चल के कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, मत कीरति गति भूत भलाई। अब ये सारी चीजों की मैं अलग अलग अर्थ करूं इसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब जिनमें किसी आदमी में अच्छाई देखो, किसी के जीवन को बेहतर देखो, जिस किसी के जीवन में खुशियां देखो, इसका मतलब है कहीं न कहीं से उनको जीवन में अच्छे विचार मिले हैं, कहीं से कहीं कहीं न कहीं से उनको अच्छे अच्छा सुझाव मिला है, अच्छी सलाह मिली है, कोई है जो उनको बताया, चाहे वो घर का हो, चाहे उनके रिश्तेदार हो, चाहे वो गांव का हो, कोई संत हो, उनको बताया कि देखो ऐसा मत करो, ये पियो खाओ मत, ये बोलो मत ऐसा, ठीक करो, और वो आदमी सुधरता चला गया और जीवन बहुत सुंदर बन गया। फिर उसी के जीवन को देख करके लोग कहते हैं नहीं मुझे भी ऐसा जीवन जीना है, देखो उसके जीवन में कितना अच्छा है, कितने सदाचार और संयमी हैं, उनके शब्दों को सुनो कितना मीठा बोलते हैं और कितना कम बोलते हैं, कितने सौम्य हैं, उनके कार्य व्यवहार को देखो हर चीज बढ़िया करते हैं। ऐसा करता है कि वहां जाओ, उनसे मिलो, उनके जीवन उनके गुण को मैं अपने जीवन में उतारूं। कहीं न कहीं से आपने अच्छाइयां ली है तभी आपके जीवन में अच्छाइयां आई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर बुराइयों की कोई कमी नहीं है, भटकाने वालों की कोई कमी नहीं है। आप चाहेंगे मुझे शराब पीना है तो शराबी आपके मित्र मिल जाएंगे, जुआड़ियों को जुआ खेलने वाले मित्र मिल जाएंगे, और कोई चोरी करने को सोचे तो ऐसे चोर मिल जाएंगे जो सिखा देंगे। तो भटकने के चांस बहुत हैं, बिगड़ने के चांस हैं, इसके बावजूद कोई आदमी अच्छे रास्ते पर चल रहा हो इसका मतलब है घर वालों ने कोई उसके लिए प्रयास किया हो, समाज वालों ने किया हो, कोई विद्यालय का शिक्षक हो, कोई मित्र हो, कोई संत से उनकी भेंट हो गई हो, कहीं न कहीं से उनको अच्छे विचार मिले और उनका जीवन अच्छा होता चला गया। इसी के लिए कि हम अच्छे विचार सुने, संतों के समीप जाएं, वो हमारी आंखें खोलें, हमारी जो समझ है उसको सही बना दे और हम जीने का तरीका सही सीख लें और हमारे भी जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो, परिवार में भी प्रेम का माहौल बने, आपस में एक दूसरे को देख करके खुशी का माहौल बने और हमारा जीवन भी सुख और शांति का अनुभव कर सके। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके सत्संग का आयोजन किया जाता है। 3 दिनों का यह सत्संग का आयोजन है। आज तो पहला ही दिन है, पहला ही सत्र है। अगले सत्रों में जीवन के संबंध में बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। संतजन हैं, वे बोलेंगे, जब मुझे अवसर मिलेगा मैं अपनी बातें कहूंगा, लेकिन आप सभी आते रहें क्योंकि अभी ये शुरुआत है। अभी जीवन के विभिन्न पक्षों पर सामाजिक, पारिवारिक और भी धार्मिक, आध्यात्मिक बहुत सारी बातें सब धीरे धीरे परत दर परत खुलेंगे, बस आपकी उपस्थिति आवश्यक है, फिर संतजन अपनी बातें कहते रहेंगे। और इस समय मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय।